इस तरह की लड़कियों से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। अगर आप इस तरह की किसी भी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपको अभी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आगे टिकने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनको लड़कियां सिर्फ घुमाती हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आती कि वो बुद्धू बन रहे हैं। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ, और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसी लड़कियां रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं होती हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर दिखाएं। तो सबसे पहली तरह की लड़की जिसके साथ आपको रिलेशनशिप में नहीं आना है, वो है नाइट टाइम गर्ल। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो रात को मेरे ख्याल से अकेली होती हैं या परेशान होती हैं, फिर वो किसी ना किसी को रैंडमली रात को मैसेज कर रही होती हैं, हाय कैन वी टॉक, मुझे ये बात करनी है। तो इस तरीके से आप बहुत खुश हो जाते हो कि यार उसने मुझे याद किया, लेकिन दो चार दिन बाद ये बिल्कुल सन्नाटा जोन में चला जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ कोई रात को ही याद कर रहा है और सिर्फ रात को ही बात करना चाहता है, इट मीन्स देयर इज नो सीरियसनेस, और इस तरीके से आपको उसे आगे भी नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि रात के टॉक्स यूजली इमोशनल होते हैं और सुबह तक आप डेफिनेटली उन्हें भूल जाते हो और आपके लिए इसके लिए फीलिंग नहीं होती है। दूसरी ऐसी लड़कियां हो सकती हैं जो आपको मिस यू टेक्स्ट करती हैं कि आई मिस यू, हम मिल सकते हैं क्या, वो भी रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू। उनको कोई रिलेशन नहीं है, बट आउट ऑफ द ब्लू आपको मैसेज कर रही है कि मिलते हैं, लेट्स कैच अप, और फिर दो चार दिन के बाद वो बिल्कुल खत्म। फिर महीने के एंड में फिर से एक मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके का अगर रैंडम मिस यू, आई वॉन्ट टू मीट यू वाले मैसेजेस आ रहे हैं, दैट शी इज नॉट सीरियस एट ऑल, यू आर जस्ट अ फ्लिंग फॉर हिम, आप उसके लिए बुद्धू बन रहे हैं और आप उसके लिए सिर्फ एक पार्ट टाइम हो जिसको वो कभी भी मैसेज कर सकती है, एंड यू आर अवेलेबल, डेवलप योर वैल्यू और आप इन चीजें या उस टेक्स्ट के पीछे ना जाएं। उसके बाद आती हैं कंफ्यूजिंग लड़कियां। एक ऐसी लड़कियां जो हाँ भी नहीं कर रही हैं और ना भी नहीं कर रही हैं, जो बता भी नहीं रही हैं कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, या फिर मना भी नहीं कर रही हैं कि उनको आप नहीं चाहिए हो, कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है एक रात लव यू बोल दें और दूसरी रात बोले नहीं यार, मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, मे बी आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, मैं तो किसी भी चीज को अभी जज नहीं कर पा रही हूं। तो इस तरीके के बहुत ज्यादा मिलेंगे जहां आपको समझ में नहीं आता कि मुझे सिग्नल भी दे रही है और मना भी करती है, किसी और के साथ भी घूमती है लेकिन मेरे साथ भी बात करती है। तो बेटर यह है इसको यही एंड करें, क्योंकि इन कंफ्यूज रिलेशनशिप से सिर्फ आपका टाइम, एफर्ट, मनी और एनर्जी जाता है, एंड में मिलता किसी को भी कुछ नहीं है। कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जो बिल्कुल नार्सिस्ट होंगी। नार्सिस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुद के बारे में बात करना, आपको ऐसा सिग्नल भी देना कि वो आपको पसंद करती हैं, लेकिन बार बार आपको बेइज्जती करने वाला, मतलब मे बी दे आर सेइंग समथिंग बट उसमें बार बार आपकी बेइज्जती कर रही है, तू कैसे कपड़े पहनता है, तू कैसे अजीब सा है यार, तेरे साथ तो मैं सोच भी नहीं सकती, कभी बात भी आपसे कर रही है लेकिन फिर भी आपको बोले तेरे साथ तो मैं सोच ही नहीं सकती, तू तो यार कितना ही कमा लेगा। मतलब इस तरीके के अगर रैंडम आपको जेस्चर्स दे रही हैं जो कि नेगेटिव हैं, बात करने के बावजूद भी नेगेटिव हैं, तो वहां कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखेंगे। लास्ट होता है व्हाट ही फेल्ट टाइप्स ऑफ गर्ल्स। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो आपसे सिर्फ दूसरे के बारे में पूछेंगी, मे बी उसको कैसा लग रहा होगा, यार तू बता, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके बारे में बता उसको कैसा लग रहा होगा, मैंने उसे देखा ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ, सलाह ले रही हैं, बस आपसे पूछ रही हैं उसे कैसा लग रहा होगा, तू लड़का है तो तू मुझे ज्यादा बता सकता है। इस तरीके की अगर लड़कियां हैं, मेरे बहन को कैसा लगा, उसको कैसा लगा होगा, मेरे फादर ने ऐसा क्यों ट्रीट किया होगा, इस तरीके के अगर सलाहकार बन रहे हो आप, आपको लग रहा है कि इस तरीके की सलाहों से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इस तरह की लड़कियों को वहीं के वहीं छोड़ देना चाहिए और रिलेशनशिप के बारे में सोचना या उसको कंटिन्यू करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए। अगर इस तरह से आप करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जो बहुत बार पप्पू बन गए हैं, उनको अभी से बचा लें।